हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिडिंग स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ओडीजी और फ्रेंड्स यहाँ पे सीडी के बीच में जो न्यूजीलैंड ओडीआई का पहला मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें, जितने बड़े बड़े नाम हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों में, वो प्लेयर यहाँ पर नहीं खेलने वाले दोनों टीमों की तरफ से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपके लिए कन्फर्म प्लेइंग 11 लेके आए हैं और फिर साथ में यहाँ पर हम आपके लिए बताएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या चॉइस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, बहुत न्यूज निकाल के लाया हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीजी की तरफ से आपके लिए बता दें, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटेगो की तरफ से फ्रेंड्स देखिए ब्रैंड स्वेल्सन ये नहीं खेलती मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिचेल रास ये नहीं खेलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जोस लासन ये नहीं खेलने वाले। आप यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल रीड कर सकते हैं, बाकी जानकारी देख सकते हैं आप। क्रिस्टी विजन ये भी नहीं खेलेंगे, आर नॉट प्ले दिस मैच। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया होगा। तो आपने फ्रेंड्स इनमें से किसी को भी अपनी टीम में पिक किया है तो आप इनको फ्रेंड्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं जो डॉफली लीड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। और बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स सीडी की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर पे जो फ्रेंड्स आगे न्यूज है इधर पे देखिए आप मिचेल यहाँ पर रन बैक आपको विकेट कीपिंग में दिखाई देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स बता दें हिमांशु ये फ्रेंड्स हमीज रदरफोर्ड और फ्रेंड्स यहाँ से सौरभ चहल, ये फ्रेंड्स देखिए आप एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से ओपनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स लास्ट टाइम पे टीम मैनेजमेंट क्या रहता है उनका फैसला, ये उनके ऊपर रहता है, बट जो ने जो यहाँ से निकाल सकता हूँ वो मैंने आपको ला के दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से बता दें आपको, ये मेरे हिसाब से ओपनिंग करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं अनारू किंचित और फ्रेंड्स यहाँ से, और इसके बाद फ्रेंड्स ओपनिंग कर सकते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बता दें तो आपके पास नील ब्रूम का बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट सेशन में आप देखिए 246 रन बनाए थे इन्होंने। और फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सौ का, तो यहाँ पे सौ चिकने फ्रेंड्स देखिए 233 रन बनाए थे यहाँ पे लास्ट सेशन में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्क्वाड की, तो सीडी का स्क्वाड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर पे ये प्लेयर नहीं खेलने वाले फ्रेंड्स, इधर पे आप देख लीजिए बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स रॉस टेलर आप दिखाऊंगा मैं, बहुत लोगों ने लिया होगा, ये नहीं खेलने वाले यहाँ पे। डैन क्लेवर ये नहीं खेलने वाले फ्रेंड्स इधर पे। यहाँ पे जेस राइडर ये भी नहीं खेलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। वेन व्हीलर ये भी नहीं खेलने वाले यहाँ पे। एडम मिलने नहीं खेलेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। सेड रियांस नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लियान डोगिंग तो ये आर नॉट प्लेइंग दिस मैच, ये प्लेयर नहीं खेलने वाले। तो फ्रेंड्स आपने फ्रेंड्स यहां से बस देख लेना सारी न्यूज, बहुत फायदा होने वाला है आपको स्मॉल प्लस ग्रैंड लीग में। और फ्रेंड्स इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉम ब्रूस भी नहीं खेलेंगे फ्रेंड्स इधर पे। विले यंग भी नहीं खेलने वाले यहाँ पे। जॉर्ज बॉकर नहीं खेलने वाले। एजाज पटेल नहीं खेलेंगे फ्रेंड्स इधर से। और यहाँ से बिलाल ट्रिकनर ये भी नहीं खेलने वाले, आर नॉट अवेलेबल, ये फ्रेंड्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी नहीं खेलेंगे आप देख सकते हैं इधर पर। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको बता दें डॉग यहाँ पे डॉग ब्रेजिल ये टीम को लीड करने वाले हैं इधर से, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज है दोनों टीमों की तरफ से आपके लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए यहाँ से मारावे ये आपको विकेट कीपिंग ड्यूटी फ्रेंड्स ये देख सकते हैं विकेट कीपिंग में दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पे बेन स्मिथ है और फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेग है एक्सपेक्टेड टू बी ओपनिंग, ये यहाँ से फ्रेंड्स ओपनिंग कर सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स न्यूज मिल पा रही है मुझे अभी तक। और इसके बाद आप देख सकते हैं डॉग वेंडरमेट ये भी फ्रेंड्स बॉलिंग की ओपनिंग करेंगे इधर से, जो तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख पा रहे हैं न्यूज़ को। बाकी फ्रेंड्स यहां से आप देख लीजिए ये प्लेयर आपने फ्रेंड्स यहां पे पिक नहीं करना, ये प्लेयर ऐसे है फ्रेंड्स इनका रिकॉर्ड बता दे रहा हूं मैं, भले खेल नहीं रहे इधर से। जैसे जॉर्ज बॉकर तो फ्रेंड्स लास्ट सेशन में इनका बहुत अच्छा रहा था, आप देखिए 370 रन बनाए थे इसने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जेस राइडर ने 294 रन बनाए थे। और फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं इधर पर विल ट्रिकनर ने यहाँ पर फ्रेंड्स विकेट लिए थे 15 लास्ट सेशन में। इसके बाद एजाज पटेल ने 11 विकेट लिए थे। तो फ्रेंड्स ये इसलिए बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स इससे अंदाज लग जाएगा कितने लोगों ने इनको लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहां आपने इनको किसी को भी अपनी टीम में पिक नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आप ओटेगो का स्क्वाड देख सकते हैं, दोनों टीमों ने फ्रेंड्स यहाँ पे 12-12 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। आप फ्रेंड्स इसके बाहर किसी भी प्लेयर को पिक मत करना इसमें से, मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ 12 प्लेयर का आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी कन्फर्म प्लेइंग 11 में बताऊंगा आपको क्या रहेगी, एक प्लेयर जो भी रहेगा कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पे डाउट में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं सीडी की,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीडी का फ्रेंड्स यहाँ पे 12 मेंबर का स्क्वाड है। दोनों टीमों ने 12 12 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं अभी बताऊंगा प्लेइंग 11 में फ्रेंड्स ये प्लेयर आप मेरे हिसाब से रिस्की रहना चाहिए, बाकी फ्रेंड्स आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से बता दें कन्फर्म प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इधर से आप देख पा रहे होंगे जैसे ओटीजी में कंफर्म प्लेइंग 11 है, इधर से फ्रेंड्स यहाँ पे साओ हिचकी ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर रदरफोर्ड के साथ में ज़्यादा चांस इन्हीं का है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से नील ब्रूम बहुत अच्छे प्लेयर हैं फ्रेंड्स और सबसे हार्ड प्लेयर हैं इस टीम के। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बता दें तो अनारू किचन आपके लिए ये बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मिचेल रेंडिस की ये आपको दिख जाएंगे फ्रेंड्स विकेट कीपिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जोस फिनेन है और यहाँ से फ्रेंड्स माइकल रिचनिंग ये आपको दिख जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से मैं बता दूं तो मुझे इनका कम चांस लगता है फ्रेंड्स यहां पर नाथन स्मिथ का, और या तो फ्रेंड्स दोनों खेलेंगे थोड़ा सा यहां पर डाउट है मेरे को, मेरे हिसाब से यहां पर मैथ्यू खेलना चाहिए। बाकी यहां पर डफी हैं ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, या फ्रेंड्स इनमें से किसी प्लेयर को एक को यहां से मार्क को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये दोनों प्लेयर खेल सकते हैं। जिसके कारण फर्स्ट मैच है आपने पता है फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए आपने बहुत बढ़िया होता है फर्स्ट मैच, तो खेलना है तो आप यहां से खेल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से वारर ब्रांच है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए कंफर्म प्लेइंग 11 होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा एक यहां से आपके लिए बता दूं ये जो यहां से प्लेयर है तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुनिन का ऑप्शन दिया है, तो फ्रेंड्स ये रिस्की रहने वाले हैं अगर ये दोनों प्लेयर खेलते हैं तो। फ्रेंड्स मैं कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं करता हूँ, आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये दोनों प्लेयर खेलेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो ये आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। या फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, चार प्लेयर का बोल रहा हूँ मैं इधर पर, ये दोनों खेलेंगे तो बहुत बढ़िया रहने वाले हैं आपके लिए और फ्रेंड्स बाकी इधर से ये बाकी जो प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद जो भी प्लेयर का फ्रेंड्स यहाँ दिया लगभग आपके लिए सारे प्लेयर सेव रहने वाले हैं। तो आपने फ्रेंड्स इनमें से जिनको पिक करना है आप जरूर यहां से पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं सीडी का प्लेइंग 11 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। फ्रेंड्स यहाँ से आपके बता दें क्रिस्टियन लियोपार्ड आपको ओपनिंग करते हुए दिखाएंगे यहाँ से वेन स्मिथ के साथ में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आएंगे जोस क्लार्सन और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बिलिंग लुडिक हैं फ्रेंड, इसके बाद यहाँ से ग्रेग हे हैं, यहाँ से फ्रेंड्स मारा एबे हैं ये विकेट कीपिंग मिल जाएंगे आपको। और फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं यहाँ से बर्नट केन बर्नट ये आपको लिए अब बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से डॉग ब्रेसवेल तो ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, यहां से फ्रेंड्स रियान मेकन है यहां से मेकन ये भी आपको खेलते दिख जाएंगे, और यहां से वेवन स्मिथ तो ये आपको दिख जाएंगे बॉलिंग सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए कंफर्म प्लेइंग 11 है और मेरे हिसाब से आप यहां पे फ्लेक्स मोरी का छोड़ ही दो तो फ्रेंड्स ये मेरे हिसाब से 11 प्लेयर खेल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहां पे बता दिया आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा बट मेरे हिसाब से ये नहीं खेलना चाहिए, ये मेरे हिसाब से आप मानते हैं प्रेडिक्शन तो ये मेरे हिसाब से खेलना चाहिए नवीन पटेल को, तो आप ले सकते हैं यहां से फ्रेंड्स ये 11 प्लेयर खेलने वाले। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे जो भी न्यूज निकल पाई है आपको मैंने सारी न्यूज लाके दे दिया हूं, और पिछले मैच का कुछ परफॉर्मेंस इसलिए दिखाया हूं क्योंकि फ्रेंड्स यहां से कुछ प्लेयर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तो उनको यहां पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी उनके साथ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहां से बात करते हैं, आपने फ्रेंड्स यदि एकदम सेफ खेलना आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स हम एकदम सेफ खेल सकें तो फ्रेंड्स वो भी आपको यहां से बताने वाला हूं मैं। तो फ्रेंड्स आप खेल सकते हैं लीग एक्सप्रेस रेफरल कोड के साथ में साइन अप करिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर साइन अप करते ही आपको 25 रुपये का इंस्टेंट कैश बोनस मिलेगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 200 रुपये तक का कैश बोनस मिलता है तो बहुत बढ़िया साइट रहने वाली है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर टॉस होने के बाद में अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं और फ्रेंड्स यहाँ से आपका कोई प्लेयर मिस नहीं होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से रहते हैं आपके विन करने के ज़्यादा चांस। तो फ्रेंड्स आपने यदि यहाँ पर ट्राई करना है तो आप जरूर फ्रेंड्स यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से फ्रेंड्स आपके विन करने के ज़्यादा चांस रहते हैं। साथ में फ्रेंड्स हाला प्ले पर आप जरूर साइन अप कर लेना इस कोड के साथ में, हाला प्ले पे फ्रेंड्स आपको इंस्टेंट 100 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा जो कि फ्रेंड्स यहां पे आप 100% यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने दोनों हाला प्ले पे दोनों टीमों का प्लेइंग 11 शो हो जाएगा टॉस होने के बाद में, तो आप हाला प्ले प्लस लीग एक्स दोनों पे अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप यहां से अपनी विनिंग टीम बना सकते हैं, तो आपके विन करने के रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा चांस क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने टीम को कर पाते हैं एडेड टॉस होने के बाद में, आपका कोई प्लेयर यहाँ पे मिस होता नहीं है। तो आपने साइन अप करना तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा आपको रेफरल कोड, तो आप यहाँ से ज़रूर साइन अप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इधर पे विकेट कीपिंग में आपने पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं, आप फ्रेंड्स इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैथ्यू और एनबी का बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है इधर पे, आपने फ्रेंड्स ट्राई करना तो आप एक टीम में इनके साथ भी जा सकते हैं। आप फ्रेंड्स 6 टीम लगाते हैं आज के मैच में। फ्रेंड्स आपके लिए बता दें ग्रैंड लीग आसान करना बहुत ही ईजी है क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेन क्लेवर को नहीं खेलना है। फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्रेंड्स यहाँ पर फैल गई है। 35 लोग फिर से अभी इनके साथ जा रहे हैं, 35% लोग फ्रेंड्स सबको लगभग जानकारी लग गई है। तो फ्रेंड्स आपने खेलना तो आप जरूर यहाँ से ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मैथ्यू रेनबेक का ऑप्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप फ्रेंड्स दोनों से में आप किन्हीं एक प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप अलग अलग टीम लगाते हैं तो आप इनको भी जरूर ट्राई कर लेना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से बैट्समैन सेक्शन की, तो बैट्समैन में आप देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास रॉस टेलर है जो कि यहाँ से नहीं खेलने वाले, नील ब्रूम आपको खेलते हुए दिख जाएंगे फ्रेंड्स इधर से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जेस राइडर नहीं खेलने वाले, इसके बाद यहाँ से जेस कलर्सन आपको दिख जाएंगे खेलते हुए, यहाँ से फ्रेंड्स बता दें रदरफोर्ड आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से फ्रेंड्स टॉम ब्रूस ये भी नहीं खेलने वाले, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्रिग है दिख जाएंगे, यहाँ से वेन स्मिथ दिख जाएंगे, विल यंग भी नहीं खेलने वाले तो आपने इनको भी पिक नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो आपके पास जोस फिनिन ये थोड़ी रिस्की हैं बट मेरे हिसाब से खेलना चाहिए इनको। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सौ हिचिक खेलते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से आपके लिए लियोपार्ड है तो ये सेव ऑप्शन रहने वाले हैं एकदम, आपको ये खेलते हुए दिख जाएंगे। तो आपने फ्रेंड्स इधर से जिसको पिक करना है आप नील ब्रूम को पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको चाहिए तो आप यहाँ से कलर्सन को पिक कर सकते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स रदरफोर्ड को ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से और किसी को लेना तो यहाँ से वेन स्मिथ को आप पिक कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इतने प्लेयर के साथ जा सकते हैं, यहाँ से विलियंग भी नहीं खेलने वाले। आपने फ्रेंड्स बाकी आपको जो बताया आपने ट्राई करना तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बात करते हैं इधर पर ऑलराउंडर की, तो फ्रेंड्स इधर पे आपके लिए बता दें आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे डॉग ब्रेवल है अवेलेबल है फ्रेंड्स, ये खेलेंगे आपको पता ही है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जॉर्ज वॉकर नहीं खेलने वाले, मैं यहाँ पे जॉर्ज वॉकर को फ्रेंड्स आपको दिखा दे रहा हूँ, न्यूज़ ज़्यादा फैल जाने की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप 40% लोग अभी भी इनको ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक पता नहीं कितने लोग इनको फ्रेंड्स यहाँ से ड्रॉप कर पाएंगे अपनी टीम में से, तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत फ़ायदा रहने वाला है। आपके पास फ्रेंड्स यहाँ से बता दें तो यहाँ से ब्रेवल का ऑप्शन रहने वाला है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से किचन का ऑप्शन रहने वाला है, और यहाँ से आप चाहिए तो रिपिन को ले सकते हैं या फ्रेंड्स यहाँ से ब्रनेट को ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन चार ऑप्शन है इधर पे फ्रेंड्स ऑलराउंडर में, तो आप अलग अलग टीम में ट्राई कर सकते हैं, चारों खेलने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी और को पिक नहीं करना है आपने इधर पर फ्रेंड्स, नीचे और लगभग कोई प्लेयर नहीं खेलेगा आपने ट्राई करना तो। यहाँ पर ल्यूडरिक है फ्रेंड्स, ये आपको शायद ग्रैंड एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, बाकी यहाँ से मेरे हिसाब से और किसी प्लेयर को मत पिक करिएगा। यहाँ से बात करते हैं बॉलिंग की, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें एडम मिलने इस मैच को नहीं खेलने वाले तो आपने इनको पिक नहीं करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेठ रियांश नहीं खेलेंगे तो इनको पिक नहीं करना है। यहाँ पर क्रिस्टियन रिजोन नहीं खेलने वाले तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी हाई क्रेडिट के प्लेयर हैं नहीं खेलने वाले। एक बार मैं इनको दिखा दे रहा हूँ, कभी मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने लिया होगा। आप देख सकते हैं अभी भी फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूज़ निकल जाने के बाद ही 54% लोगों ने इनको लिया है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ से नहीं खेलने वाले। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं रियांश का, तो फ्रेंड्स रेंज को यहाँ पे 24% लोग अभी भी ले रहे हैं, 23% आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो क्रिस्टियन विजन की, तो इनको वैसे भी 46% लोग इनके साथ भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये प्लेयर जहाँ तक न्यूज है ये नहीं खेलने वाले तो आपने इनको पिक नहीं करना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास रियान का ऑप्शन है, एकदम सेफ है, आप इनको ले सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स बात करते हैं आजाद पटेल की, तो ये नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलने वाले। डफी को आप ले सकते हैं, आपके पास यहाँ पर मार्क क्रिक भी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहने वाले हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो नाथन स्मिथ, जैसे कि आपको बताया थोड़ा सा इनमें डाउट रहेगा नाथन इसमें, तो जैसे आप बाकी मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर भी खेल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, और टीम को जैसे आपको बताया था यहाँ पे लेफिंग को तो उनको फ्रेंड्स ड्रॉप कर सकती है टीम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बेवन ये एकदम सेफ है, आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बताते हैं तो बहुत रिस्की ऑप्शन रहने वाला है, जैसे कि आपको बताया आपने पिक करना नवीन पटेल को तो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने जैसे मैंने आपको बताया था ये प्लेयर रिस्की रहने वाले हैं दोनों, तो आप नवीन को ले सकते हैं आपने लेना है तो। फ्रेंड्स यहाँ से और आपके लिए ऑप्शन में फ्रेंड्स बता दिया आपको, आपने फ्रेंड्स यहाँ पर डफी को पिक कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पर पर्याप्त 3 बॉलर हो जाएंगे। आपने फ्रेंड्स किसी और को लेना तो आप यहाँ पे इनको ड्रॉप करके मैथ्यू को भी ले सकते हैं, तो ये आपके लिए एकदम सेफ प्लेयर रहने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ से, और ये फाइनल टीम रहने वाली है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए रिपिन को आपने पिक करना तो करिए, एकदम सेव ऑप्शन है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं इधर पे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे आप देखिए ये बहुत बढ़िया पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, खासकर ये फ्रेंड्स, ये दोनों आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं इनको। और फ्रेंड्स जैसे कि बैट्समैन का आपको पता ही है, चलने पे फ्रेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते हैं, जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है रदरफोर्ड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पर नील ब्रूम बहुत ही धमाकेदार प्लेयर है फ्रेंड्स, ये यदि फॉर्म में रहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आप चाहें तो ऑलराउंडर में से किसी को भी ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो ये आपके लिए एकदम बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है। बाकी आपने ट्राई करना तो यहाँ से फ्रेंड्स आप नील ब्रूम को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ऑलराउंडर में आपके पास एक ऑप्शन और रहने वाला है, आपने फ्रेंड्स उसको ट्राई करना है तो जरूर करिए, वो भी फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहने वाले हैं। तो आप फ्रेंड्स इनको ड्रॉप करके इधर से आप रिपिन को ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकते हैं रिपिन, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आपने पता है हम बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको बढ़िया पॉइंट दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दे दिया, अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर रख लेना। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को आप जाकर लाइक कर दें, यहाँ से आपके लिए बहुत न्यूज निकाल के लाए, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत टाइम लग जाता है वीडियो डालने में। फ्रेंड्स यहाँ से पहले पूरी न्यूज लेके आता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फ्रेंड्स यूट्यूब पर आगे आने वाले हमारे जो भी मैचेस के वीडियो रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे, और किसी भी प्लेयर के रिलेटिव और कन्फर्म नहीं हो जाएगी तो वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।